तो भैया आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे सिंगरों से जिनकी आवाज अगर कोई सुन ले तो साला ऑडियंस भी मंच छोड़ के भाग जाए। अच्छा, इनके गाने में ना तो सुर है ना ताल, फिर भी ये सिंगर हैं बड़े बवाल। तो चलो देखते हैं ये मचाते हैं क्या बवाल। चलो भाई। गुनगुनाने की वजह तुम हो, मुस्कुराने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना हो पी जाए, तो जिया जाए ना जाए ना हो पी जाए। देख रहे हो आंटी की आवाज में कितना दर्द है। मुझे तो इसे देखकर डोरेमोन के जियान की याद आ गई। मुझे तो ये जियान की बड़ी बहन लग रही है क्योंकि वो भी ढोरों की तरह रहता है और ये भी। अच्छा हाँ तो बताओ यार, 150 रुपए के माइक को लेकर दीदी किसी को देख ही नहीं रही और कह भी ऐसे रही है कि मुस्कुराने की वजह तुम हो। अरे दीदी मुस्कुराने की नहीं, रोने की वजह तुम हो, कान से खून आने की वजह तुम हो, सिर दर्द की वजह तुम हो। इसके गाने को सुनकर तो साला बहरा भी भाग जाए, ऐसा गाना गाती है ये। और वो तो सही है कि ये कुंभकर्ण के टाइम पर नहीं थी, वरना कुंभकर्ण को उठाने के लिए इसी के गाने का इस्तेमाल किया जाता। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ तो बड़ी आई सिंगर बन के। और हाँ, तुम्हें पता है कि ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? पता नहीं। ये वो लोग हैं जो स्टार मेकर पर प्रैक्टिस करने के बाद सीधे स्टूडियो पहुंच जाते हैं गाना गाने के लिए। हाँ तो बताओ यार, गेहूं की बोरी बेचकर हेडफोन लाया था और इसके गानों को सुनकर मेरे कान खराब हो गए, अब किडनी बेचकर कानों का इलाज कराना पड़ेगा। अब तुम देख रहे हो आ गई एक और खतरनाक सिंगर। इसका गाना तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, रानू मंडल 2.0। साला इसके गाने को सुनकर तो दीपक कलाल भी सदमे में आ जाए। पता नहीं कहां से आते हैं इन सस्ते सिंगरों ने तो सारे मूड की मां बहन एक कर दी। इनके गाने सुनकर तो लोगों के पिछवाड़े में भी हार्ट अटैक आ जाए, दिल तो बहुत दूर की बात है। वैसे मैंने इसे देखकर तो सोचा था कि ये कोई खतरनाक ही गाना गाएगी, जैसे ये स्टूडियो में एकदम मस्त खड़ी है, पर जिसे हमने बड़ा धमाका समझा ना वो तो फुस्सी पटाका निकली। मैं तो इन दीदी के गाने को सुनकर अब बस इतना ही कहूंगा कि दीदी वैसे भी तुम दिखने में ठीक ठाक लग रही हो। अच्छा, तुम एक काम करो, शादी करो और बच्चे बनाओ, ये सिंगिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए अब तुम जाओ और मूत के सो जाओ। अबे साले मजा आया।